मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस की टिकट पर भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। खुद गौर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पिछले दिनों उनके निवास पर पहुंच भोज पर आए थे। इसी दौरान दिग्विजय ने मुझे ये ऑफर दिया था। गौर ने कहा वो इस ऑफर पर विचार भी कर रहे हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित थे वो, और हम बहुत ही पुराने एक दूसरे से राजनीति में एक दूसरे से परिचित हैं, तो उन्होंने हमको ऑफर किया कि आप भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। तो मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा मुझसे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने हमारी पार्टी ये चाहती है कि आप हमारा चुनाव लड़ें। तो मैंने कहा अभी तो कोई मंशा नहीं है मेरी, कहने फिर भी विचार करें। मैंने ठीक विचार करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर शिवराज सिंह ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। शिवराज सिंह ने कहा कि वो सुनी हुई बातों पर अपना पक्ष नहीं रखें। मैं किसी ऐसी खबर पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो मेरे सामने नहीं कही गई हो। मैं केवल पढ़ी बातों पर भरोसा नहीं।